नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड न्यूज नेटवर्क में। तो आज एक और रिसर्च लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो आइए आपको बताते हैं पूरी बात। वैज्ञानिकों ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव को समझने के लिए एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया है। जैसा कि दुनिया इस समय जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रही है, तो क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद कर सकता है? इस पर नेचर क्लाइमेट चेंज में हाल ही के दिनों में एक पेपर प्रकाशित किया गया है, जिसमें AI जलवायु परिवर्तन और सार्वजनिक नीति के विशेषज्ञों की एक टीम ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के साथ AI के जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स और बहुआयामी संबंधों मतलब मल्टी फैक्टर रिलेशनशिप को समझने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है और जिसे प्रस्तुत भी किया है। तो आइए बताते हैं आपको पूरी बात। मैकगिल विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान के सहायक प्रोफेसर डेविड रोलनिक और मिला क्यूबेक AI संस्थान के एक कोर अकादमिक सदस्य डेविड रोलनिक ने कहा कि AI सकारात्मक और नकारात्मक यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह से जलवायु को प्रभावित करता है और इनमें से अधिकतर प्रभाव खराब मात्रा में है। उदाहरण के लिए AI का उपयोग वनों की कटाई को ट्रैक करने और कम करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन AI आधारित विज्ञापन सिस्टम लोगों द्वारा खरीदी जाने वाली राशि को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन को और खराब कर रहे हैं। यह रिसर्च पेपर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर AI के उपयोग और प्रभावों को 3 श्रेणियों में विभाजित करता है। पहला ये है कि AI एल्गोरिदम को विकसित करने, प्रशिक्षित करने और चलाने के लिए उपयोग की जाने वाली कंप्यूटेशनल ऊर्जा और हार्डवेयर से प्रभाव। तो दूसरा है AI के अनुप्रयोगों के कारण तत्काल प्रभाव, जैसे अनुकूलन इमारतों में ऊर्जा का उपयोग जो उत्सर्जन को कम करता है, या जीवाश्म ईंधन की खोज में तेजी लाता है यानी जो उत्सर्जन को बढ़ाता है। और तीसरा है सिस्टम लेवल प्रभाव, जो AI अनुप्रयोगों के व्यवहार पैटर्न और समाज को अधिक व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे कि विज्ञापन प्रणालियों और स्वयं के माध्यम से ड्राइविंग कारें। रिसर्चर्स ने यह भी नोटिस किया कि मशीन के सीखने की विशेषज्ञता अक्सर सीमित होती है। यह जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में मशीन लर्निंग के शासन और कार्यान्वयन के संबंध में संभावित चुनौतियों को भी उठाता है, क्योंकि यह डिजिटल डिवाइड को बना या बढ़ा सकता है या सार्वजनिक से बड़ी निजी संस्थाओं में स्थानांतरित भी कर सकता है। प्रोफेसर रोलनिक ने कहना रहा कि यह बहुत मायने रखता है कि हम टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में हम जो भी विकल्प चुनते हैं तो AI का प्रयोग जलवायु परिवर्तन को समझने में उपयोगी भी हो सकता है, मगर हमें यह तकनीक बहुत सतर्कता से उपयोग करनी होगी। तो ये थी बात AI पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रयोग कर जलवायु परिवर्तन को समझने पर वैज्ञानिकों की राय। समय समय पर हम आपको इस तरह के नए रिसर्च से अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।